शादी में अगर उबटन ना लगाओ तो शादी अधूरी सी लगती है। तो बस आज मैं लेके आई हूँ ब्राइडल स्पेशल उबटन, जिसे लगाते ही मिलेगा ऐसा निखार जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाओगे, साथ ही सामने वालों को भी कर दोगे। ये उबटन एकदम प्योर और नेचुरल बनकर तैयार होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस उबटन को बनाना। इस उबटन के लिए आपको चाहिए सूखी हुई गुलाब की पत्तियाँ, आप देख सकते हो ये बिल्कुल सूख चुकी हैं। इसके बाद में आपको चाहिए 50 ग्राम बादाम, और फिर हम इन बादामों को डालेंगे एक मिक्सी जार में। और फिर इसके बाद में इसमें हम ऐड करेंगे ये रोज़ पेटल्स जो हमने सुखाई हुई हैं। और अब इनको पीसकर हम एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे और उसे साइड में रख देंगे। और तब तक एक बोल में हम ऐड करेंगे आधा कप बेसन, और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 कप सैंडलवुड पाउडर यानी चंदन पाउडर। अगर आपके पास चंदन पाउडर नहीं है तो आप मुल्तानी मिट्टी भी यहाँ पर ले सकते हो। और फिर मैं यहाँ पर ऐड करूंगी 4 चम्मच हल्दी पाउडर, मैंने यहाँ पर कस्तूरी हल्दी यूज़ की है। और फिर जो हमने आलमंड्स और रोज़ पेटल्स का पाउडर बनाया था उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने अभी सारे पाउडर्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब मैं यहाँ पर लूँगी बादाम का तेल यानी आलमंड ऑयल। मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 2 चम्मच बादाम का तेल, और फिर इसके बाद मैं इसे एक बार अच्छे से चम्मच से इस तरीके से मिक्स कर दूँगी। और फिर लास्ट में मैं यहाँ पर लूँगी गुलाब जल। गुलाब जल हमें उतना ऐड करना है जितने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप गुलाब जल यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पर दूध भी ले सकते हो। और अगर आप गुलाब जल के साथ ही बनाते हो तो आपका जो उबटन है वो आराम से 2 से 3 हफ्ते चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें दूध मिलाते हो तो आपका उबटन के ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए मैं कहूँगी कि आप इसमें गुलाब जल ही ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस हमारा जो उबटन है वो हो गया है बनकर तैयार। आपको अपने उबटन की कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है, और फिर उसके बाद में इसे आप पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर केवल आपको चेहरे और हाथों पर इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी, साथ ही इसका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा इससे निखार आता है एक ही बार में। तो आप देख सकते हो कि चेहरे पर मैं एक लेयर अप्लाई कर रही हूँ। एक मोटी सी लेयर आपको लगा लेनी है चेहरे पर, नेक पर, मतलब जहाँ भी आपको अप्लाई करनी है। अगर आपकी शादी है तो आप इसे पूरे शरीर पर लगा सकते हो यानी पूरी बॉडी पर लगा सकते हो। आपको बहुत ही अच्छा निखार मिलेगा उस उबटन के साथ में। ज़्यादातर लोगों की जो बॉडी का कलर होता है वो चेहरे के साथ मैच ही नहीं करता है, इसीलिए अगर आप इस उबटन को इस्तेमाल करते हो तो एक तो आपका जो कलर है वो इवन हो जाएगा यानी चेहरे और बॉडी का कलर जो है वो मैच करने लगेगा, साथ ही शादी तक आपका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा, आपके चेहरे पर एक ग्लो आ जाएगा। इस उबटन को लगाने के बाद आपको इसे ऐसे ही छोड़ना है 15 से 20 मिनट के बाद में, और आप देखोगे 15 से 20 मिनट के बाद में आपका उबटन जो है वो हल्का हल्का सूख जाएगा या फिर थोड़ा बहुत, और उसके बाद में आप इसे धो दीजिए। धोना आपको डायरेक्ट नहीं है, थोड़ी सी मसाज करते हुए इसको धोना है, आप जैसे वीडियो में देख सकते हो उस तरीके से। और आप देखोगे कि पहली ही बार में जो आपकी स्किन का कलर है वो काफ़ी ज़्यादा चमक गया है यानी साफ़ हो गया है। यहाँ पर मैं आपको चेहरा भी धोकर ही दिखाऊंगी कि देखिए पहले ही बार में जो चेहरे का कलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा खिल जाएगा और फेयर और ग्लोइंग लगेगा। तो यहाँ पर मैंने धोने के बाद में अच्छे से इसको सुखा दिया था यानी एक टाल की हेल्प से पूरे फेस और हाथों को दोनों को पोंछ लिया है, और आप देख सकते हो कि मेरे चेहरे पर और मेरे हाथों पर दोनों को इवन निखार मिला है यानी एकदम साफ़ हो गए हैं मेरे हाथ भी और चेहरा भी, और ग्लो तो आप देख ही सकते हो चेहरे पर कि कितना ज़्यादा आया है। तो मैं तो कहूँगी इन शादियों में एक बार इस उबटन को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपकी शादी है या फिर आपके घर में शादी
दी है तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इस उपटन को बनाते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये उपटन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।